लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने सिडको के खिलाफ चले जाओ का नारा दिया है। प्रकल्पग्रस्तों के काला दिवस आंदोलन को समर्थन देते हुए गणेश नाइक ने सिडको के खिलाफ घोषित प्रकल्पग्रस्तों के आंदोलन को सही बताया। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून का गलत तरीके से इस्तेमाल कर सिडको ने प्रकल्पग्रस्तों के साथ अन्याय किया है, इसलिए उन्हें न्याय मांगने का हक है। बीजेपी विधायक ने कहा कि जब नवीनभाई मनपा ने नागरिक सुविधाओं की सारी जिम्मेदारी संभाल ली है तब सिडको को बाकी जमीनें सौंप कर नवीनभाई से चले जाना चाहिए। ४७ के पहले का वो दौर याद करिए जब हिंदुस्तान की आवाम ने अंग्रेजों चले जाओ का नारा दिया था। आज ऐसा ही नारा बीजेपी विधायक गणेश नाइक ने दिया है। सिडको के खिलाफ प्रकल्पग्रस्तों द्वारा घोषित काला दिवस आंदोलन को औपचारिक समर्थन देते हुए आज पूर्व मंत्री गणेश नाइक ने सिडको चले जाओ का यह नारा दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिडको ने भूमि अधिग्रहण कानून को गलत तरीके से लागू कर प्रकल्पग्रस्तों के साथ अन्याय किया है, इसलिए प्रकल्पग्रस्तों को अपना पुनर्वसन और मुआवजा मांगने का हक है। गणेश नाइक ने कहा कि शहर बसाने के बाद नवीनभाई मनपा ने नागरिक सुविधाओं की सारी जिम्मेदारी संभाल ली है, इसलिए सिडको को सभी प्लॉट हस्तांतरित कर अब वापस चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिडको का काम शहर बसाना था, वह काम हो गया है, अब सिडको की कोई जरूरत नहीं है। प्रश्न असे की जिथे अन्याय होतो तो प्रति दिवस काला दिवस असतो। एक दिवस काला मानण्याची म्हणजे मला इच्छा नाही, परंतु त्यांची जी मागणी सिडको जावी, सिडको हटाव, तर हटाव म्हणजे म्हणजे एक प्रकारचा तो म्हणजे ब्रिटिशांना ब्रिटिश चले जाव, एक एक टॅगलाईन म्हणून बनते समजा। परंतु सिडकोने इथला कारभार आता वाईंडअप करून तो प्रकल्पग्रस्तांची जी किंवा ज्या ज्या लोकांच्यावर अन्याय झाले त्यांचा तो अन्याय दूर करावा आणि महानगरपालिकेकडे सुपूर्द करावा। बताना जरूरी है कि आज से 51 साल पहले नवीनभाई में शहर और उद्योगों को बसाने के लिए सिडको की स्थापना की गई थी। सिडको ने इसके लिए किसानों की जमीनों को कौड़ियों के मोल अधिग्रहित किया, लेकिन आज तक प्रकल्पग्रस्तों को कानून सम्मत मुआवजा नहीं दिया, जबकि उन्हीं जमीनों को आज सिडको 3 लाख रुपए वर्ग मीटर बेचकर धंधा कर रही है। इस मुद्दे को विधायक गणेश नाइक ने बीते विधानसभा अधिवेशन में भी उठाया था और सिडको मुक्त नवीनभाई का नारा देते हुए गांवठानों की जमीनों का असली हक प्रकल्पग्रस्तों को देने और उनके अवैध मकानों को नियमित करने की मांग भी उठाई थी। सिडको देते काही काम राहिलंच नाही, ते मी फार अगोदर बोलले की सिडको ने देऊन जावे, आता सगळे अधिकार हे महापालिकेला द्यावेत। नवी मुंबई मध्ये ज्या प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी घरे बांधली, दुकाने बांधली, ती रेग्युलाइज करून त्याच्या खालची जागा त्यांची करावी, मालकी हक्क त्यांना मिळावा जमिनीचा, म्हणजे जेणेकरून भविष्य कालामध्ये टंगती तलवार राहणार नाही, ही मागणी मी विधानसभेत केलेली आहे। फिलहाल प्रकल्पग्रस्तों का यह काला दिवस आंदोलन सिडको की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अब देखना होगा कि पूर्व मंत्री गणेश नाइक के औपचारिक समर्थन का इस पर कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।